हाँ जी, सो लास्ट जो टॉपिक हमने खत्म किया वो था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू कार्डिनल अप्रोच, ठीक है, जिसमें आपने ये देखा कि जो यूटिलिटी है उसको क्या किया जा सकता है, उसको मेजर किया जा सकता है, राइट। आपने इसके थ्रू इक्विलिब्रियम प्रूफ किया था। अब से स्टूडेंट हम जो अप्रोच करने वाले हैं इक्विलिब्रियम की, उस अप्रोच का नाम क्या है, वो आपके पास है ऑर्डिनल अप्रोच, राइट। अब जो अप्रोच हम करेंगे वो कौन सी है, अब हम जो अप्रोच करेंगे दैट इज ऑर्डिनल ऑर्डिनल अप्रोच, ठीक है। बात करते हैं कि कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल में डिफरेंस क्या है। बस पहले तो आप छोटी सी बात ये जान लो, मैंने आपको बहुत पहले ही भी समझाया था ये बात, कि कार्डिनल अप्रोच इस बात को बिलीव करती थी कि यूटिलिटी क्या है वो मेजरेबल है, राइट। जबकि जो ऑर्डिनल अप्रोच है वो इस बात को नहीं मानती कि यूटिलिटी मेजरेबल है, वो इस बात को मानती है कि जो यूटिलिटी है, ठीक है, वो मेजरेबल नहीं है, बट यूटिलिटी को रैंक किया जा सकता है, ठीक है। मतलब आप अपनी जो भी आपकी पसंद है आप उसको प्रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है, दिस इज पॉसिबल टू गिव प्रेफरेंस, ठीक है। इन्होंने कहा कि ये अप्रोच क्या कहती है, ये अप्रोच ये कहती है कि जो यूटिलिटी मेरे को मिलेगी, जो सेटिस्फेक्शन मुझे मिलेगी, मैं उसे क्या कर सकता हूँ, मैं उसे न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकता, क्योंकि जो यूटिलिटी है वो क्या होती है, वो एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। अब क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है तो आप उसे मेजर कैसे कर सकते हो, लेकिन क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है तो उसे मेजर मैं नहीं कर सकता, बट वॉट आई कैन डू इज आई कैन रैंक माई प्रेफरेंसेस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेके चलता हूँ कि 12th के बाद आपके पेरेंट्स ने आपसे एक डील रखी कि इफ़ यू विल गेट समवेयर अराउंड 90% मार्क्स, अगर तुम 90% मार्क्स ले आते हो या मोर देन दिस, 90% और मोर देन दिस ले आते हो, सो वॉट यू वॉट द थिंग इज कि हम आपको बाइक दिलाएंगे, ठीक है। तो आपने सोचा कि जब ये बाइक दिला रहे हैं तो चलो पहली प्रेफरेंस जो है मैं अपनी ड्यूक की रख लेता हूँ। उन्होंने कहा नहीं भाई, ऐसा है कि ड्यूक नहीं हम दिलाएंगे, हमारे बजट के बाहर है ड्यूक। तो आपने कहा चलो ठीक है, सेकेंड नंबर पे, और आपने बोला कि चलो एक काम करना फिर बुलेट दिला देना। उन्होंने बोला नहीं भाई, ये भी हमारे बजट के बाहर है, ठीक है। फिर आपने बोला चलो ठीक है छोड़ो, फिर सब कुछ छोड़ो, आप मेरे को पल्सर ही दिला देना, छोड़ो। आप सुरेंद्र मेरी ये बात समझने की कोशिश करना, मैं अगर ड्यूक की बात करूं, मैं बुलेट की बात करूं, या मैं पल्सर की बात करूं, ये जो तीन गुड्स आपने चूज किए हैं, ठीक है, आपको नहीं पता कि ड्यूक आपको कितना सेटिस्फेक्शन देती, बुलेट आपको कितना देगी, पल्सर कितना देगी, आप न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर पा रहे इस बात को, ठीक है, कि भाई मैं ड्यूक से न्यूमेरिकल में इतना सेटिस्फाई हो जाऊंगा, ठीक है। बट आपको ये पता है कि ड्यूक आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ड्यूक की जो आपकी यूटिलिटी होगी वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा, किससे, इन कंपैरिजन टू बुलेट और इन कंपैरिजन टू पल्सर, ठीक है। अगर कोई आपसे ये पूछे कि भाई तूने ड्यूक 2 लाख के आसपास ली है, तो 2 लाख के ड्यूक में क्या तेरे को 2 लाख रुपए की यूटिलिटी मिल गई, कैसे बताओगे यार, ये तो पॉसिबल ही नहीं बता पाए हम। लेकिन हम ये बता सकते हैं भाई मेरी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मुझे ड्यूक बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ड्यूक की सेटिस्फेक्शन मेरे लिए अबव इन दोनों से होगी। जैसे अभी आप मिर्ज़ापुर 2 की बात कर रहे थे, अगर आप उसी का एग्जाम्पल ले लो, तो आपसे कोई अगर ये पूछने बैठे कि भाई आपने मिर्ज़ापुर 1 देखी, आप कहोगे हाँ भाई देखी, आपने मिर्ज़ापुर 2 देखी, आप कहोगे हाँ भाई देखी, ज़्यादा अच्छी कौन सी लगी, ठीक है। अब अलग अलग लोगों की प्रेफरेंस है, मे बी कोई ये कह देगा कि मुझे बहुत फर्स्ट पसंद आई, कोई ये कह देगा मुझे सेकेंड पसंद आई, इसका मतलब है कोई कह रहा है कि मुझे 1 से यूटिलिटी मिली, कोई कह रहा है मुझे 2 से मिली। अगर आपसे पूछा जाए इसको मेजर करो कि 1 से कितनी मिली और 2 से कितनी मिली, तो कैसे पता कर पाओगे आप, न्यूमेरिकली तो पता कर पाना मुश्किल है कि 1 से कितना मिला और 2 से कितना मिला, लेकिन हाँ प्रेफरेंस दे पाना बहुत आसान हो जाएगा। आप कह दोगे भाई ऐसा है, मुझे तो 1 बहुत पसंद आया था, 2 ठीक था, इतना खास नहीं था, राइट। ठीक है स्टूडेंट्स, आप बात समझ रहे हो यूटिलिटी के बारे में। अगर मैं आपसे किसी भी चीज़ की, इट्स नॉट अबाउट मिर्ज़ापुर, इट्स नॉट अबाउट अ बाइक, इट्स अबाउट एनीथिंग, किसी भी चीज़ को आप सोच के देखो, किसी भी चीज़ को, और आप ये सोच के देखो कि उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन को क्या आप मेजर कर पाते हो करमजीत, नहीं कर पाते। लेकिन अनुज क्या मैं रैंक कर पाता हूं, रैंक तो हम कर पाते हैं ना, क्योंकि मुझे ये तो पता है कि कौन सी चीज मुझे सेटिस्फाई कितना कर रही है न्यूमेरिकली, बट मुझे अपनी प्रेफरेंस का पता है, उसके अकॉर्डिंग मैं ये बता पाता हूँ कि भाई सीजन 1 तो बहुत अच्छा था, सीजन 2 ठीक था, चलो कोई बात नहीं देख लिया, राइट। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स।
हाँ जी ऑर्डिनल अप्रोच है वो किस पे बेस्ड है, वो आपकी प्रेफरेंसेस पे बेस्ड है, ठीक है, कि आपकी प्रेफरेंसेस क्या है, किसी चीज को लेकर आपकी प्रेफरेंस ज्यादा होती है, किसी चीज को लेकर के आपकी प्रेफरेंस कम होती है, सो दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड, ठीक है। इसीलिए स्टूडेंट्स क्या होता है, ऑर्डिनल अप्रोच जो है, जैसे हमने कहा था कार्डिनल अप्रोच का नाम क्या था, कार्डिनल अप्रोच का नाम आपने पढ़ा था मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, ठीक है, आपने क्या पढ़ा था, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। उसी हिसाब से स्टूडेंट जब हम ऑर्डिनल अप्रोच पढ़ते हैं तो इस अप्रोच के अंदर हम कौन से मॉडल को पढ़ते हैं, इस अप्रोच के अंदर स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं इन डिफरेंस कर्व को, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इन डिफरेंस कर्व, एनालिसिस, ओके। जब हमने फर्स्ट अप्रोच पढ़ी थी वो थी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, तो जो सेकेंड अप्रोच हमारे पास है स्टूडेंट्स वो क्या है, इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस, ठीक है। तो पहले इस वर्ड के बारे में चर्चा कर लेते हैं फिर आगे बात करेंगे। सबसे फर्स्ट आप ये वर्ड देखें इन डिफरेंस, ठीक है, एक वर्ड आता है जो आपने डेफिनेटली सुना भी है बचपन से आप पढ़ते आ रहे, विच इज डिफरेंट, ठीक है, एक होता है वर्ड डिफरेंट। सो डिफरेंट का मतलब क्या है, डिफरेंट का मतलब होता है जब कोई भी दो तीन चार पांच चीजें जिसमें हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं वो एक दूसरे से क्या होती हैं, अलग होती हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं कि भाई डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब क्या हो गया, डिस्टिंक्ट हो जाना, एक दूसरे से अलग हो जाना, तो उसे हम कह देते हैं कि भाई ये क्या है, ये है डिफरेंट। तो हमारे पास एक वर्ड है स्टूडेंट्स यहाँ पे, इन डिफरेंस मीन्स इन डिफरेंट, इन डिफरेंट। सो इन डिफरेंट का मतलब क्या रहा, इन डिफरेंट का मतलब ये हो गया कि जिसमें कोई डिफरेंस ही ना हो, भाई डिफरेंट का मतलब ये था जिस जो अलग अलग था, तो इन डिफरेंट का मतलब स्टूडेंट्स क्या होगा, इन डिफरेंस का मतलब हो गया हैविंग नो डिफरेंस, ठीक है, जब दो या दो से ज्यादा चीजों में कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है, जब दो या दो से ज्यादा चीजों में कोई डिफरेंस नहीं होता तो उसे हम क्या बोल देते हैं स्टूडेंट्स, इन डिफरेंट होना बोल देते हैं, ठीक है। सो नाउ अगर इन दो वर्ड्स को आप देखो, कर्व, अभी तक की इकोनॉमिक्स जितनी आपने पढ़ी स्टूडेंट्स, मैंने आपको बता दिया कि इकोनॉमिक्स मैक्सिमम दो चीजों को लेता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक्सेस दो है, एक एक्स एक्सेस है और एक वाई एक्सेस है, तो मतलब जहां पे भी हम बात करेंगे जो भी हम बात करेंगे वो दो वेरिएबल्स का रेफरेंस लेके करेंगे। अब एक कंज्यूमर है तो कंज्यूमर के केस में दो चीजें क्या होंगी, दो गुड्स, तो मतलब कर्व कैसे बनेगा, कर्व आप जब बना रहे हैं तो कर्व बनेगा कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, राइट याशिका, यही बात है, ठीक है। जब भी आपको कर्व बनाना है, कर्व बनाने के लिए क्या चाहिए भाई, कर्व बनाने के लिए एक एक्स का वेरिएबल चाहिए और एक वाई का वेरिएबल चाहिए, क्योंकि तो एक्स और वाई प्लॉट करोगे तभी तो कोई कर्व बन के आएगा। तो मतलब वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, टू गुड्स का मतलब है एक्स और वाई के दो कॉम्बिनेशन। मैंने गुड्स क्यों लिखा, क्योंकि तो कंज्यूमर है भाई, तो कंज्यूमर है तो वो क्या करेगा, वो गुड्स या सर्विसेज ही कंज्यूम करेगा, ठीक है, सही बात है अंश, अनुज, अनुज समझ में आ गया। अब आप एक बात देखो, इन डिफरेंट का मतलब हमने लिखा हैविंग नो डिफरेंस, कर्व का मतलब हमने लिखा वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, अगर आप दोनों को मिला दो, अगर इन दोनों को मिला दे तो मतलब दो गुड्स के ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन जिसमें कंज्यूमर क्या हो गया, इन डिफरेंट है, मतलब जिसमें कंज्यूमर को कोई डिफरेंस नहीं लगता, उसे चाहे आप कॉम्बिनेशन ए दो, चाहे आप उसे कॉम्बिनेशन ए दे दें, चाहे आप उसे कॉम्बिनेशन बी दे दें, चाहे आप उसे कॉम्बिनेशन सी दे दें, चाहे आप उसे कॉम्बिनेशन डी दे, या चाहे आप कॉम्बिनेशन ई दे, कोई भी कॉम्बिनेशन दो, वो इन सब के बीच में क्या है, वो इन सब के बीच में यस इन डिफरेंट है, मतलब उसको सब में एक बराबर सी सेटिस्फैक्शन नजर आती है। यश पास समझ में आ गई, करमजीत आपको समझ में आई, अगर मैं इसके वर्ड के मीनिंग के ऊपर जाऊं तो वर्ड का मीनिंग तो मुझे यही समझ में आता है ना, कि इन डिफरेंट का मतलब कोई डिफरेंस नहीं और कर्व का मतलब है अलग अलग कॉम्बिनेशन, मतलब ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन जिसमें कंज्यूमर को कोई डिफरेंस समझ नहीं आता, उसके लिए सारे कॉम्बिनेशंस क्या है, इक्वल है। जैसा कि करमजीत ने कहा कि भाई एक पर्सन ऐसा भी हो सकता है जिसको मिर्जापुर सीजन 1, जिसको
जिसको मिर्जापुर सीजन टू, जिसको मिर्जापुर सीजन थ्री, मिर्जापुर सीजन फोर एंड सो ऑन, जितने भी हैं सब में बराबर उसको लगता है। वो कह रहा है कि भाई बढ़िया है, मेरे को सारे इक्वल लेवल पे सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। और ऐसी पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी ऐसी है कि एक कंज्यूमर को डिफरेंट डिफरेंट गुड्स जो रहे हैं वो इक्वल सेटिस्फेक्शन दे। ठीक है, सो दैट इज द केस स्टूडेंट्स। ठीक है, होप यहां तक की बात आपको समझ में आ गई स्टूडेंट, यहां तक की बात समझ में आई। तो अगर इतना जितना आपने पढ़ा, जितना अभी तक आपने पढ़ा, इसके बेसिस पे हम सिर्फ डेफिनेशन ड्रॉ करें तो डेफिनेशन क्या आएगी? अब क्योंकि स्टूडेंट्स कर्व है, मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक्स में जहां भी आप कर्व की बात करेंगे, इकोनॉमिक्स में जहां भी आप कर्व की बात करेंगे, तो इसका मतलब क्या रहेगा? कर्व का मतलब हमेशा रहेगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जितनी भी जगह आप इकोनॉमिक्स में कर्व पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, वहां पे बिना सोचे समझे कर्व का मतलब आप क्या लिखेंगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो हम क्या कहेंगे कि जो इनडिफरेंस कर्व है वो क्या हो गया? सबसे फर्स्ट थिंग वही कर्व है, तो इट रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसकी है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स की, राइट अभिषेक? आप जो ग्राफ पे बना रहे हो अनुज, वो यही तो बना रहे हो ना, जो अलग अलग कॉम्बिनेशन है दो गुड्स के। तो इट रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, क्या आपके पास आ गया यहां पे रुद्र, वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका? अलग अलग कॉम्बिनेशन दो गुड्स के। ठीक है, ये वो गुड्स है याशिका जिसमें कंज्यूमर क्या है? याशिका क्या है? इनडिफरेंट है। इनडिफरेंट का मतलब, इनडिफरेंट का मतलब ये हो गया कि कोई भी कॉम्बिनेशन आप उसे पिक करवा दो, मैं है कोई भी कॉम्बिनेशन, हर कॉम्बिनेशन में उसकी सेटिस्फेक्शन क्या रहेगी? हर कॉम्बिनेशन में उसकी सेटिस्फेक्शन सेम रहेगी, राइट अनुज? सो इट रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट प्रोवाइड्स इक्वल लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। करमजीत, बात समझ में आई? जो आपने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर यही था कि सर अगर उसको सारे सीजन इक्वल पसंद हो, तो वही सारे सीजन जो उसको इक्वल पसंद होंगे वही क्या फॉर्म कर देंगे? इन डिफरेंस कर्व फॉर्म कर देंगे, राइट करमजीत? ठीक है, लेकिन जब वो कंपेयर करेगा किसी और सीरीज से या उसको किसी और सीरीज से, तो मे बी कोई ना कोई सीरीज ऐसी आएगी जिसमें वो ये बोलेगा कि भाई अगर तुमने मुझे ये 5, 6, 8, 10 शो बताए हैं, तो इन 5, 6, 8, 10 शो में सबसे पहले तो मैं इसको देखना पसंद करूंगा, राइट करमजीत? अब देखो, मैंने आपको बताया था कि आप कितने भी इकोनॉमिक्स के मॉडल पढ़े, इकोनॉमिक्स के हर मॉडल के अंदर अजम्पशंस आती हैं। बिना अजम्पशंस के हम इकोनॉमिक्स की कोई भी थ्योरी को, किसी भी मॉडल को प्रूफ नहीं करते। तो बात करते हैं कि जो इनडिफरेंस कर्व है, मींस ऑर्डिनल अप्रोच है, ठीक है, ये अप्रोच की जो अजम्पशंस है वो क्या है? तो अजम्पशंस, ठीक है, बात करते हैं कि जो आईसी एनालिसिस है हमारे पास, आईसी एनालिसिस के थ्रू जब आप इक्विलिब्रियम प्रूफ करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या अजम्पशन है स्टूडेंट? सबसे पहली चीज जो अजम्पशन में आएगी वो आएगी टू गुड्स। ठीक है, देखो, एक तो ये बात आप जानते ही है, पीपीसी की तरह ही है। ठीक है, तो आपके पास एक्सेस दो है, जब आपके पास एक्सेस दो है तो आप मैक्सिमम दो ही गुड शो कर सकते हो, राइट यश? ठीक है, हमारे पास जब एक्सेस दो है आशिका, तो हम कितने गुड शो कर सकते हैं? दो गुड्स। लेकिन दो गुड्स में आपको ये बात समझनी है कि दो गुड्स से मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने कहा कि पेन और पेंसिल, ठीक है, ऐसा नहीं है।
कि आपने क्या कह दिया कि भाई पेन और पेंसिल, आप क्या कर सकते हैं वो दो गुड्स के अंदर, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन चूज बंडल्स ऑफ टू गुड्स एज वेल। ठीक है, यहाँ पे आप दो बंडल्स भी बना सकते हो गुड्स के। दो बंडल्स बनाने का मतलब क्या है कि आपने जैसे एक बंडल बनाया, मार्केट में आप गए, आपने बंडल बनाया, बंडल क्या बनाया कि भाई मेरे पास एक्स एक्सेस पे, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपने एक्स एक्सेस पे लिया स्टेशनरी आइटम, ठीक है, स्टेशनरी आइटम जो भी आपको अपने स्टेशनरी आइटम्स परचेज करने थे, और इसके अलावा आपने क्या किया, आपने दूसरे एक्सेस पे ले लिया गिफ्ट आइटम्स। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हो सकता है पॉसिबिलिटी। मतलब आपको गुड्स दो चुनने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ एक पेन और एक पेंसिल उसके ऊपर चूज कर रहे हो, यू कैन चूज बंडल्स एज वेल कि भाई मैंने इस एक्सेस पे से एक्स एक्सेस पे स्टेशनरी आइटम्स नहीं है। तो जब आप स्टेशनरी आइटम्स की बात कर रहे हो तो आपके रेगुलर में यूज होने वाली जितनी भी स्टेशनरी की आइटम है वो आ जाएंगी। और फिर आपने कहा वाई एक्सेस, दिवाली आ रही है, सो दिवाली ईव का टाइम आ रहा है, सो आपने कहा कि भैया गिफ्ट आइटम चाहिए होंगे, तो दूसरे एक्सेस से आपने गिफ्ट आइटम ले लिए। अनुज, बात समझ में आई? कहाँ चला गया ये? अंश क्लियर है? ठीक है, सो ये आपको याद रखना है कि करमजीत यहाँ पे क्या है, गुड्स के जो आइटम्स है वो ले सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, दो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, 12th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन आप फिर भी जानो, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तो अभी आप कुछ टाइम में ग्रेड में जाओगे, ग्रेजुएशन में जाओगे, दिक्कत आएगी। इकोनॉमिक्स में जो भी चीज़ें हम कंज्यूम कर रहे थे स्टूडेंट्स, उसको ना अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। जैसे कहा जाता है गुड्स, जैसे कहा जाता है बैड्स, और एक कैटेगरी रखी जाती है न्यूटर की। ठीक है, तो गुड्स बैड्स और न्यूटर। ठीक है, अब ये होता क्या है इस बात को समझो। गुड्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स, गुड्स का मतलब होता है वो कोई भी चीज जो कंज्यूमर को पॉजिटिव क्या कर रही है, यूटिलिटी दे रही है। ठीक है, वो कोई भी चीज जो कंज्यूमर को पॉजिटिव यूटिलिटी देगी उसे कंज्यूमर गुड्स कहेगा। देखो, स्टेशनरी आइटम है, गिफ्ट आइटम है, कोई फूड आइटम है, ठीक है, कोई हाउस होल्ड चोर्स आइटम है, ठीक है, इसके अलावा कोई भी आइटम है, आपके लिए कपड़े हैं, शूज हैं, कुछ भी है, ये सारी चीजें याशिका आपको पॉजिटिव सेटिस्फेक्शन देंगी या नहीं देंगी, राइट? लेकिन अगर करमजीत मैं आपसे उसी जगह पे बात करूं, गार्बेज है, ठीक है, या फिर पॉल्यूशन है, ठीक है करमजीत, ये सब आपको, और या फिर आपके रोड्स के ऊपर पिट होल्स हो गए, ये सब चीजें करमजीत आपको पॉजिटिव सेटिस्फेक्शन देंगी क्या? नहीं। तो लेकिन क्या इन चीजों के हम कंजम्पशन कर रहे होते हैं? कर रहे हैं। पॉल्यूशन क्यों नहीं कंज्यूम कर रहे? आप कर रहे हो डे बाय डे, हर दिन कर रहे हो यार। घर में पॉल्यूशन क्यों नहीं है जब हवा ही गंदी है? तो हवा कौन सी आपके घर के अंदर अलग से आती है, जब एयर क्वालिटी इंडेक्स ही आपका बता रहा है कि भाई वो पॉल्यूटेड है, तो आपके घर में आने वाली हवा कैसे मतलब पॉल्यूशन फ्री हो सकती है? मुझे सिर्फ इस बात का आंसर दे दो। नहीं, मेरी बात मत मानो, आप अल्टीमेटली एयर क्वालिटी इंडेक्स के ऊपर जाते हो ना पॉल्यूशन को देखने के लिए, राइट? जब आप दिल्ली में रह रहे हो जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज्यादा आप कह सकते हो सीवियर हो चुका है, तो आप इस बात को बताओ ये कैसे हो सकता है कि जो आपके घर के अंदर हवा आ रही है वो पॉल्यूटेड नहीं है, वो नॉन पॉल्यूटेड है? बताओ, पॉसिबल है ये बात? क्या चीज नहीं ना। सिमिलरली स्टूडेंट्स, ऐसा है कि जहां पे भी हम रहते हैं, आसपास जिधर भी हम रहते हैं, ठीक है, गार्बेज, ठीक है, गार्बेज, एक अभी हम फॉरेन में नहीं है कि भाई बिल्कुल ही गार्बेज फ्री हमारी सिटीज हो, ठीक है, और वहां पे भी देखो ऐसा होता है कि जो हमें पिक्चर दिखाई जाती है वो सिर्फ रिच एरिया से दिखाई जाती है, हर तरफ हर तरह की प्रॉब्लम रहती है क्योंकि लोग तो वही रहेंगे। तो ये होते हैं बैड्स, मतलब वो कोई भी चीज जो आपको नेगेटिव सेटिस्फेक्शन दे, जो आपकी सेटिस्फेक्शन को कम कर देती है, उसे इकोनॉमिक्स बैड्स मानता है। फिर आपके पास आते हैं सुनो न्यूटर। न्यूटर का मतलब क्या होता है? न्यूटर का मतलब है जिससे ना ही आपको पॉजिटिव मिलती है और जिससे ना ही आपको नेगेटिव मिलती है, मतलब वो कंज्यूम करे आप कंज्यूम ना करें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक
ठीक है, ना ही आपको पॉजिटिव सेटिस्फेक्शन आ रही है और ना ही आपको नेगेटिव सेटिस्फेक्शन आ रही है, जहां पे आप कहते हो यार मैं तो न्यूट्रल हूँ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। सो दैट इज द केस ऑफ न्यूट्रल। अब ऐसा कैसे हो सकता है, जैसे फॉर मी, मैं अपनी एग्जाम्पल लेके बात कर रहा हूँ कि मैं एथीस्ट हूँ, ठीक है, तो अगर मेरे सामने कोई पूजा कर भी रहा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं भी कर रहा है तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं एथीस्ट हूँ। दैट डजन मीन कि सामने वाला भी एथीस्ट हो जाए, मेरे बिलीफ नहीं है, तो उस टाइम पे अगर मेरी मदर पूजा कर भी रही है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और वो नहीं भी कर रही है तो मैं पूछता नहीं हूँ भाई क्या हुआ, पूजा वूजा नहीं कर रहे आजकल, ठीक है। सो ये होता है न्यूट्रल केस, जिसमें कंज्यूमर किसी चीज़ की कंजम्पशन करे ना करे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो न्यूट्रल है, ठीक है, सामने हो रहा है, सुन ली आरती तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आरती सुनी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज द केस ऑफ न्यूट्रल। लेकिन जब हम इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं स्टूडेंट 12th के लेवल पे, तब आपको जो केस पढ़ना है वो गुड्स का पढ़ना है। जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे आप इन तीनों केस के अंदर इंडिफरेंस कर्व बनाना सीखेंगे, गुड्स के अंदर भी, बैड्स के अंदर भी और न्यूट्रल के अंदर भी, ठीक है। लेकिन आपके लेवल पे आप सिर्फ सिर्फ गुड्स पढ़ेंगे, वो जो आपको पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन देंगे। इसके बाद नेक्स्ट एजम्पशन वही वाली एजम्पशन है जो प्रीवियस आपने ली थी, विच इज रैशनैलिटी। जब भी हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की बात करेंगे रैशनैलिटी को हम नहीं भूल सकते, क्योंकि रैशनैलिटी मतलब क्या, रैशनैलिटी मतलब है कंज्यूमर वो हो जो मिनिमम में मैक्सिमम एम करता हो, ऐसा कंज्यूमर नहीं होना चाहिए जिसको सेटिस्फैक्शन का पता ही नहीं है, ठीक है, मतलब वो माइंड से साउंड होना चाहिए, उसका दिमाग काम करना चाहिए, वो अपनी कैलकुलेशंस करने के बाद कंजम्पशन करे, ठीक है। शौक में मैंने कहा था ना एक्सट्रीम सिचुएशंस को हम नहीं काउंट करेंगे, तो उसकी कोई मजबूरी में वो कंजम्पशन कर रहा है या वो बहुत बहुत ज़्यादा खुश है उस टाइम पे वो कोई कंजम्पशन कर रहा है, तो वो वाली चीज़ों को काउंट नहीं किया जाता। रैशनल का मतलब है कि एक नॉर्मल सिनेरियो जिसमें वो कंजम्पशन करने से पहले कैलकुलेशंस करेगा। अब दिवाली है, दिवाली का टाइम है, ये भी आपकी रैशनैलिटी को ब्रेक कर देता है, क्योंकि दिवाली एक फेस्टिवल सीजन है, इस टाइम पे अगर आप गिफ्ट वगैरह अपने रिलेटिव्स वगैरह को देते हो या कुछ भी है तो कुछ चीज़ें आपके लिए कंपलसरी हो जाती है, आप नहीं भी चाहते फिर भी करना पड़ता है, तो ये रैशनैलिटी को ब्रेक करता है, ठीक है। मतलब वो कोई भी चीज़ जो कंज्यूमर की चॉइस को बिल्कुल अबाइड कर देती है, ठीक है, बाउंड कर देती है कि भाई तेरे को ये तो अभी तो तेरे को करना पड़ेगा मजबूरी, तो ये मजबूरी को हटा दो, मजबूरी को और शौक को हटा दो, उसके अलावा जितनी भी आपकी नॉर्मल रूटीन की कंजम्पशंस होती हैं उसमें आप कैलकुलेशंस करते हो, तो जब हम कैलकुलेशंस करके कंजम्पशन करते हैं तो उसे हम रैशनैलिटी कहते हैं, राइट। इसके बाद है, आपने इस पर्टिकुलर केस में माना है कि जो यूटिलिटी है, ठीक है, यूटिलिटी इज ऑर्डिनल, जो आपकी यूटिलिटी आएगी वो क्या आएगी स्टूडेंट्स, वो आएगी ऑर्डिनल, मतलब जो आपकी सेटिस्फेक्शन है वो मेजरेबल नहीं है, आप उसको रैंक कर सकते हो कि अगर आप मार्केट में शर्ट लेने गए तो कौन से कलर की आपकी पहली प्रेफरेंस होगी, सेकंड कौन सी होगी, थर्ड कौन सी होगी, सो दैट इज यूटिलिटी ऑर्डिनल, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास इसमें केस क्या आता है, एक अजम्पशन और आती है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस, ये अजम्पशन काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस, इट बेसिकली मीन्स मोर इज प्रेफर्ड ओवर द लेस, मतलब एक कंज्यूमर हमेशा ज्यादा को प्रेफर करेगा कम की जगह पे, आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर आप एक कंज्यूमर है, ठीक है, तो अगर आपको दो बंडल मिल रहे हैं गुड्स के, मान लो एक बंडल में आपको 10 यूनिट मिल रही है, ठीक है, मान लो मैंने कहा कि एक ए बंडल है जिसमें एक्स आपको 10 मिल रहा है और वाई आपको 8 मिल रहा है, जबकि उसकी जगह पे दूसरा बंडल है बी जिसमें एक्स आपको 11 मिल रहा है और वाई में भी आपको 8 ही मिल रहा होगा, करमजीत कौन सा बंडल चूज करोगे, एक बंडल में आपको 10 यूनिट मिल रही है एक्स की और वाई की 8 यूनिट, और बी बंडल में आपको मिल रही है 11 यूनिट्स एक्स की और वाई की 8 यूनिट्स, कौन सा बंडल चूज करोगे, बी बंडल, कंज्यूमर मोस्टली कौन सा बंडल चूज करेगा, बी बंडल, क्योंकि वो ये देखेगा कि भाई दोनों बंडल में ज्यादा किसमें है, तो उसने देखा भैया इसमें 10 है इसमें 11 है, अच्छा ये तो ज्यादा है, फिर उसने देखा वाई, वाई दोनों में सेम है, वो कहेगा चल कोई बात नहीं वाई सेम है तो क्या हुआ, एटलीस्ट एक गुट तो ज्यादा ही है ना, तो अगर एक गुट ज्यादा है तो जिसमें ज्यादा होगा मैं उसको चूज करूंगा, तो दैट इज मोनोटोनिक प्रेफरेंस स्टूडेंट, कि मोर इज प्रेफर्ड ओवर द लेस, जहां भी कंज्यूमर को ज्यादा यूनिट्स दिखाई देंगी वो हमेशा उन्हीं ज्यादा यूनिट्स की कंजम्पशन की बात करेगा,
कम को कोई नहीं चाहता, सब चाहते हैं कि जब वो कंजम्पशन करे तो उन्हें क्या मिले, उन्हें ज़्यादा मिलना चाहिए। सबका जो आइडिया होता है वो यही रहता है, ठीक है, कि मीन्स मोर गुड्स मोर यूटिलिटी, जितने ज़्यादा गुड्स होंगे उतनी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होगी। सो दीज आर द फोर अजम्पशंस ऑफ ऑर्डिनल अप्रोच। हाँ जी, मान लो एक सी बंडल ले लेते हैं जिसमें होता 9 और 10, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, 10 9 ये तो कम है, ज्यादा क्या है, वाई? तो कंज्यूमर इसको चुनेगा कि भाई एक, कोई भी एक तो ज्यादा मिल रहा है ना मुझे पहले वाले से, कोई एक तो उसको ज्यादा मिल रहा है ना, उसको एक ज्यादा मिलेगा उसी पे तरफ चला जाएगा, उसको क्या फर्क पड़ता है क्या चीज। देखो वो इसको नहीं देखता कि भाई एक कम मिल रहा है, वो ये देख रहा होता है कि भाई एक ज्यादा मुझे कहाँ मिल रहा है। तो अगर वो 8 और 10 को देखे, ठीक है, मान लो ये 8 और 10, इसमें कितनी यूनिट्स एक्स्ट्रा मिल रही है उसको, 2 यूनिट्स, और यहाँ पे उसको कितनी यूनिट्स कम हो रही है, सिर्फ 1 यूनिट, फिर भी वो अल्टीमेटली 1 यूनिट के फायदे में है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस, विच इज मोर इज प्रेफर्ड ओवर लेस, कि कंज्यूमर हमेशा ज्यादा वाले बंडल को चूज करेगा, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर, ठीक है, इसे कॉपी करें, कीप दिस क्लियर, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।